साथ बहुत पहले 2 दिन का वक्त रह गया था, 48 आवर्स रह गए थे, तो देयर इज नो गारंटी टू लाइफ. अच्छा वैसे क्या मतलब 48 आवर्स रह गए थे, तो वो एक और लंबी कहानी है. आपको थोड़ा शॉर्ट करके बताएं, स्टार्ट में क्योंकि मैं कोई चीज सुनती हूं ना तो फिर अटक जाते हैं. 25th December 2008 आई वॉज एयर लिफ्टेड. मुझे हेलीकॉप्टर में अमेरिका में लेकर गए थे जॉन्स हॉपकिंस, और मुझे 48 आवर्स दिए थे जिंदगी के. तो यंग ओल्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता मरीना. नहीं पड़ता तो है, देखिए if you are healthy and everything, I was completely healthy. And no, at this age right now, if you hadn't gone through, then bilkul padta hai, because I have only like 15 good years left. You still, mashallah, have a lot of good years. Maine suna tha ki Laila is not well in US. Ji, bilkul cut off ho gaye, koi aapki taraf se news nahi, mashallah, social media nahi. Laila, kya hua tha? It's a long story. Chhota, chota sa chota. Ji, aap kya keh rahe? Main keh raha hu ki haar nahi mani Laila. Fighter hai. Haan. Fighter. उस वक्त उन्होंने जब ये कहा था तो मैंने आई गेस मैंने सिर्फ ये कहा था, मैं अकेली थी क्योंकि मैं विजिट कर रही थी सिर्फ अपने ग्रीन कार्ड के लिए. तो मैंने वहाँ सिर्फ ये कहा था अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन सी आई कैन हियर. मैं कंसेंट फॉर्म्स मैंने खुद साइन किए थे. खुद साइन किए जी. कंसेंट फॉर्म वो वहाँ पे आपको इलाज नहीं कर सकते जब तक आप साइन ना करें, को फैमिली मेंबर या खुद पेशेंट ना साइन करे. दैट इज समथिंग गोज रॉन्ग. या तो देन जब उन्होंने ये कहा जॉन्स हॉपकिंस ने, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां यू गेव इट यू विल फिक्स इट. और ये देखो कि जब आपको लगे कि शायद ये आपके आखिरी घंटे हैं, उस वक्त कोई आपका अपना नहीं हाथ पकड़ने के. नहीं मैं उस वक्त अकेली विजिट करने गई थी, बट वो बस आई जस्ट सेड मेरे अम्मी अबू एंड माई हस्बैंड, मैं उनका ख्याल था, मुझे अपना नहीं था. So I just said, Allah may you gave it, you will fix it. And he did. Okay, फिर उसके बाद operation हुआ, कोई surgery, कोई चीज़? हाँ, बहुत सारी चीज़ें. That's another show. That's another show altogether. लेकिन वो 48 hours के बाद जब हुआ कि तो गुजर गया, मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. ऐसा नहीं था. You're joking. ऐसा नहीं था. ऐसा नहीं था. इतना अरसा लगा उससे बाहर आने को. I think around I had a bone marrow transplant. I had 5-6 rounds of chemo, radiation, जो ये सोफे का जो कलर है वो मैं वैसी हो गई थी पूरे सर से पैर तक. एंड आई लॉस्ट माई हेयर मैनी टाइम्स, बट मैं ये जिक्र बहुत जगह पे नहीं करती बिकॉज आई हैव गिवन एन इंटरव्यू ऑन यूट्यूब और उसमें 1.5 घंटे की जर्नी है. मैं क्या बोल करूं, बड़ी इंस्पायरिंग है. बट आई थॉट कि एक बंदे को शायद मुझसे एनकरेजमेंट मिलेगी, दैट्स व्हाई आई गेव दैट इंटरव्यू. बट मुझे थाउजेंड्स ऑफ डीएम्स आए थे कि वी आर गोइंग थ्रू दिस एंड वी गेन्ड एनकरेजमेंट अभी तक on that interview. तो इसीलिए मैं वो अभी भी मैंने mention किया कि you know, and you I think for Ramzan it. And even for Eid or any other day, I think one should never give up and have complete faith in Allah, tawakkul. Being a cancer survivor and माशाल्लाह वाकई चीता इसने रोजा रखा. आपका भी रोजा. और अभी पिछले दिनों हमने देखा लैला को एक्चुअली ड्रामे में मरते हुए. मैंने कहा था वार्निंग देनी है तुमने मुझे. अभी तक नहीं देखा मरीना ने. नहीं उसको टाइम हो गया. अब अच्छा, तो खत्म हो गया मरीना, बता दिया. मैं अच्छा प्लीज मैं बता रही हूँ, आई हैव टू स्टैंड एंड क्लैप फॉर योर अमेजिंग परफॉर्मेंस. इतनी प्यारी कई में परफॉर्मेंस अभी नहीं बता रही मरीना. स्टोरी नहीं बता. इवन सुकून में भी जो माँ बनी है लड़की की और बेटी को भेजना और बेटी का ना ना, वो 2 एपिसोड्स इतने वो हम तो देख चुके हैं. वो बड़े कमाल एपिसोड्स थे जिसमें सना जल चली जाती है, फिर बाप आता है, सब गड़बड़, बेटी घर नहीं आ रही, बाप पूछ रहा कहाँ बेटी कहाँ बेटी. नादिया वो दूसरा शो. मुझे असल में ना सबकी लाइन याद हो जाती है, सॉरी. देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर.